आज विवेक बनाने जा रहे हैं लाल मांस अपने अंदाज में। तो विवेक, आप सबसे पहले क्या करेंगे? ये मैंने पानी लिया है विद लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, अच्छा और ये मैं गरम सरसों तेल में डाल रहा हूँ ठीक है, क्यों? कि ये फट जाए, ठीक है, तेल फट जाए। थोड़ा दूर होना पड़ेगा। ठीक है, खड़े मसाले। हाँ एक प्याज काटा हुआ है लंबा लंबा, जी ये डाल दिया मैंने। ठीक है, तो अब प्याज को कैसे आप अब ट्रांसमिशन करेंगे? इसको नहीं, इसको मैं ब्राउन करूंगा, ठीक है बिकम ब्राउन। ठीक है। तो ये राजस्थानी लाल मांस तो बहुत तीखा होता है ना? हाँ इट इज काफी तीखा होता है, मगर मैं तीखा नहीं बना रहा हूँ। अच्छा लाल ही होगा मगर तीखा नहीं होगा, अच्छा स्लाइटली तीखा। ठीक है, तो तो लाल कैसे करेंगे आप इसे? अब नमक डालो थोड़ा। अच्छा, इसमें मैं, अब आप कह रहे हैं नमक डाल दो, है ना? हाँ ये नमक डाल दो थोड़ा सा। अब इसको ऑलरेडी लाल होना शुरू हो गया क्या? तो इसको पूरा लाल करेंगे हम? पूरा लाल करके फिर इसके बाद तुरंत मटन डाल देंगे। ठीक है, मैं खाली 250 ग्राम मटन बना रहा हूँ। ठीक है, होने ही वाला है, ये जैसे हो जाएगा तुरंत मटन डाल देंगे। ठीक है, अच्छा तो अब आप इसमें मटन डाल रहे हैं? मैं मटर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप इसको कितने देर भूनेंगे मटन डाल के? ये डिपेंड करता है, करीब एटलीस्ट 10 मिनट तो भूनना पड़ेगा। ओके, तो अभी और कोई मसाले नहीं डालेंगे, खाली मटन को भूनेंगे डाल के? अभी खाली भूनूंगा थोड़ी देर तक, 5 मिनट तक, उसके बाद मैं मसाले डालूंगा। ठीक है, ये मेथानी लाल मिर्च साबुत वाली जो होती है राजस्थानी, राजस्थानी मथानिया। हाँ मेथानी, उसको मैंने गर्म पानी में भिगोया था, ठीक है, 5-6 मिर्च, क्योंकि ये खाली 250 ग्राम है, और उसको जब तक गर्म पानी में किया था वो नरम हो गई, तो मैंने उसको पीस दिया। ठीक है, अरे वाह क्या कलर है, और हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाला मैंने कलर के लिए, थोड़ा सा कलर, ठीक है, क्योंकि इसका भी कलर है। हाँ और ये मैं डाल रहा हूँ, तो अब आप इसको मिर्च के साथ भूनेंगे या मसाले बाद में डालेंगे? मसाले ऐसे कुछ खास नहीं डालना है, मैं वो धनिया पाउडर है वो मैं लास्ट में डालूंगा, नहीं तो वो नॉर्मली क्या हो जाता है जल जाता है ठीक है भूनने के टाइम में, ठीक है, तो धनिया पाउडर लास्ट में डालूंगा। अभी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी जो रंग अच्छा, वाली है, अच्छा, और थोड़ी सी हल्दी। हाँ बस ये डालूंगा अभी, ठीक है, और धनिया पाउडर लास्ट में अलोंग विथ थोड़ा गरम मसाला, ठीक, बस। तो अभी आप इसमें हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डालने वाले हैं। हाँ। तो सबसे पहले इसमें आप कह रहे हैं 1/4 चम्मच हल्दी, है ना? हल्दी डाल दो बस, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 3/4 चम्मच, ये ऑलरेडी डाली हुई है वो अपना रंग तो छोड़ेगी छोड़ेगी। और ये दही कब डलती है इसमें? बस अब इसको थोड़ा भून लूंगा, फिर दही डाल देंगे। ठीक, तो इसको मेरे ख्याल से 5 मिनट हो गए भूनते, अब आप इसमें दही डालेंगे? हाँ दही दे दो, अच्छा, तो यानी 2 टेबलस्पून के करीब आपने खाली दही डाली है इसमें ना? ज्यादा नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से डालना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको कुकर में पका रहे हैं ना? जनरली हांडी में पकाते हैं, हांडी में पका सकते हैं,
जल्दी उसी में बनता है, मगर मेरा कुकर में नहीं तो उसमें टाइम लगेगा। हांडी में कितनी देर लग जाती है नॉर्मली अगर कोई हांडिया बनाना चाहे तो? एटलीस्ट 40 मिनट। इस सब के बाद? हाँ ये सब के बाद 35 मिनट्स तो लगेंगे लगेंगे अगर ठीक तरह गलाना है। तो अब आप इसमें थोड़ा सा ग्रेवी करने के लिए पानी डालेंगे। लाल मांस मैंने नॉर्मली सुना है कि ग्रेवी नहीं होती बहुत ज़्यादा। लाल मांस एक्चुअली रोटी तंदूरी रोटी वगैरह के साथ खाया जाता है। हाँ तो तंदूरी नहीं है, मैं तो चावल के साथ ही खाऊंगा। ठीक है तो ग्रेवी तो चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा पानी डालूंगा। ठीक और तो ग्रेवी फिर मटन भी तो गलना है। तो आप कुकर बंद करके फिर कितने और वैसे भी ये ग्रेवी थिक हो जाएगी। हाँ क्योंकि कुकर में मैं एटलीस्ट 12 से 14 मिनट बनाऊंगा। अच्छा और विसल्स कितने देंगे? विसल्स मेरे ख्याल से 3 विसल। 3 विसल और 12 से 14 मिनट। हाँ 3 to 4 minutes टोटल। ठीक है and it will take around that much, वही टाइम लेगा 12 मिनट या 14 मिनट। ठीक है तो अब एक बार इसकी विसल बज जाती हैं, 12 से 14 मिनट हो जाते हैं, फिर जब इसको खोलेंगे विवेक दोबारा से फिर हम आपको दिखाएंगे आगे। तो विवेक इट सीम्स कि ये गल गया है ना? हाँ गल गया ये। अब मैं धनिया पाउडर डाल रहा हूँ। हाँ और गरम मसाला। गरम मसाला कितना डालेंगे? हाफ टी स्पून। ठीक बस। अब इसको 2 मिनट पकाना पड़ेगा। ये धनिया पाउडर पकाने के लिए। पकाने के लिए ठीक है। और ग्रेवी आप और करेंगे या ये आपके लिए ठीक है चावल के साथ? चावल के लिए तो मेरे ठीक है, अगर कम हो गई तो मैं थोड़ा और पानी डाल लूंगा। पानी कैसे फिर बॉईल करके? बॉईल वाटर। ठीक है ठंडा पानी का भी नहीं डालना चाहिए। चलिए फिर ये थोड़ा सा पक जाता है उसके बाद हम आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट तो हो गए हैं इसको, तो अब आप गैस बंद कर देंगे? आप भी गैस बंद करूंगा, मगर इसको बंद करने से पहले आई विल पुट अ लिटिल देसी घी। अच्छा दैट इज द फाइनल। ओके बस हो गया। तो ये घी जरूरी होता है इसमें? जरूरी नहीं है, इट डिपेंड, इट एनहांसेस द टेस्ट। ओके इसका जो टेस्ट है और बेहतरीन हो जाता है। और मुझे लगता है आपको थोड़ा पानी भी और डालना पड़ेगा क्योंकि ये सब। हाँ पानी थोड़ा डालूंगा। ठीक है पर क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल कंसिस्टेंसी ऐसी होती है तो हम ये ऐसे ही ये रोटी खाने के ये रोटी के साथ कंसिस्टेंसी ठीक है। हाँ तंदूरी रोटी राइट। तो इसके साथ ही इसी कंसिस्टेंसी का हम दिखाते हैं, बाद में आप खाते वाते से ग्रेवी कर लीजिएगा। तो लीजिए हमारे कहने पर विवेक ने इसको प्लेट आउट कर दिया है अभी इसी तरीके से विदाउट ग्रेवी जैसा ही एक्चुअली खाया जाता है। जनरली इसे जैसा कि विवेक ने कहा तंदूरी रोटी नान फुलका खमीरी रोटी इन्हीं चीज़ों के साथ खाया जाता है। तो आप भी इसे बनाएं खाएं हमें बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो हमें बताइए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अब तक तो सब्सक्राइब करके भगर वाली घंटी दबा दीजिए ताकि जितने भी लेटेस्ट ऐसे वीडियोज़ बनते हैं आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और थम्स अप भी दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।